अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाही व बरकातुहू। नादरीन, दीनी तालीम फॉर किड्स में आप तमाम का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करने जा रहे हैं। नादरीन, इंसान का ईमान यानी हमारा ईमान कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है। जब रमजान आता है तो ईमान बढ़ जाता है, जब रमजान चला जाता है तो ईमान घटना शुरू हो जाता है। ईद उल अधा या ज़िलहिज्जा के दिन आ जाते हैं तो ईमान बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही ईद उल अधा गुजर जाती है ईमान घटना शुरू कर देता है। तो ईमान का बढ़ना घटना नेचुरल है और ये फितरी तौर पर है, लेकिन हमारा फरीजा ये कि हम ईमान को बढ़ाते रहें। और ईमान को बढ़ाने के मुख्तलिफ तरीके हैं। कभी हम जो है जन्नत के बारे में सुनते हैं तो ईमान बढ़ जाता है, जहन्नम के बारे में सुनते हैं तो ईमान बढ़ जाता है, जुमा में कोई अच्छा खुतबा सुनते हैं तो ईमान बढ़ जाता है, और अब हरम की नमाज को सुनते हैं तो ईमान बढ़ जाता है, फिर हम गाफिल हो जाते हैं। लेकिन हम दीनी तालीम फॉर किड्स की जानिब से खास तौर पर खवातीन के लिए हम एक वर्कशॉप लाने जा रहे हैं, जिसमें जहन्नम का बयान सिर्फ खवातीन के लिए वर्कशॉप कंडक्ट किया जा रहा है, ताकि हमारी खवातीन का ईमान बढ़ता रहे और ईमान में इजाफा होता रहे। और ये वर्कशॉप 15 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक चलता रहेगा, यानी 15 रोजा ये वर्कशॉप है, हफ्ते में 6 दिन रहेगा इंशाल्लाह। इसकी टाइमिंग सुबह 11 बजे से लेकर 12 बजे तो होगी इंशाल्लाह। और इस वर्कशॉप को चलाने के लिए एक तजर्बाकार मुअल्लिमा आलिमा नूर निसा इंशाल्लाह क्लास लेंगी खवातीन की। तो इस वर्कशॉप में शिरकत करने के लिए, इस वर्कशॉप में ज्वाइन होने के लिए एक नॉर्मल फीस रखी गई है, और नीचे डिस्क्रिप्शन जो है बताया गया है प्रोसेस, उसमें देखें और इसमें एडमिशन कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। और जो लोग भी चाहते हैं खवातीन, ये वर्कशॉप सिर्फ खवातीन के लिए है, अपने ईमान को बढ़ाना चाहती हैं, तरोताजा रखना चाहती हैं, इस वर्कशॉप से फायदा उठाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।